हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ समसामयिकी। ये जो समसामयिकी है, जुलाई 2022 के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं उसमें टॉप 12 क्वेश्चन लिया गया है। और ये जो है आपके इम्पोर्टेंट रहेगा, CGPSC और CG व्यापम द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित किया जाता है उन सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे खास करके देखिए, छात्रावास अधीक्षक मंत्रालय प्यून भर्ती जो परीक्षा होने वाला है अभी आपका 25 सितंबर को, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और ADO एवं CGSI, तो ये जो है आपके आगामी जो भी CGPSC और व्यापम द्वारा आयोजित किया जाएगा उन सारे एग्जाम के लिए, परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये। तो शुरू से अंत तक सारे क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ADO का भी मैं कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिस सेट लगातार जारी करूँगा अब। तो देखिए, इसे ज़रूर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और शुरू करने से पहले अगर चैनल में है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इस राज्य में पहली बार झरने से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है जिसमें प्रत्येक घर को कितने बल्ब कनेक्शन दिया जाएगा। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस राज्य में पहली बार झरने से बिजली उत्पादन किया जा रहा है इसलिए इम्पोर्टेंट है। और कितना कनेक्शन दिया जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 5-5 बल्ब का कनेक्शन दिया जाएगा। अब देखिए, ये कौन सा जिले में है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि झरने से जो बिजली उत्पादन किया जा रहा है ये किस जिले में है। तो ये रायगढ़ जिले में है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि किस जिले में झरने से बिजली उत्पादन किया जा रहा है, तो रायगढ़ जिले में उत्पादन किया जा रहा है। दूसरी बात यह है, अगर ब्लॉक पूछ दे आपको तो रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ ब्लॉक में, ये भी आपको याद रखना है कौन सा धरमजयगढ़ ब्लॉक में झरने से बिजली उत्पादन किया जा रहा है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का एकमात्र श्री यंत्र आकार का गुंबद समेरू मठ में स्थित है, यह किस जिले में है। तो देखिए, विश्व का एकमात्र श्री यंत्र आकार का गुंबद है जो समेरू मठ में है, यह किस जिला में है। देखिए, समेरू मठ, ये भी ध्यान रखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे इस क्वेश्चन से वो सारे क्वेश्चन मैं आपको उससे कंप्लीट कराते जाऊंगा कि क्या क्या याद रखना है। एक तो समेरू मठ याद रखना है आपको यहाँ से, क्योंकि ये श्री यंत्र आकार का गुंबद जो है ये समेरू मठ में है। और ये कौन से जिला में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, रायपुर में स्थित है ये। अब चलिए देखते हैं इसमें 43 कोण है, कितने हैं 43 कोण है, ये भी याद रखिएगा, कभी कोण भी पूछ सकता है कि इस गुंबद में कितने कोण हैं। और ये प्रत्येक कोण में पारद शिवलिंग है, क्या है, इसमें प्रत्येक कोण में पारद शिवलिंग है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है 2018 में गुंबद बनना प्रारंभ हुआ था, कब, 2018 में गुंबद बनना प्रारंभ हुआ था। और जो है यह 4 वर्ष लगा है पूर्ण होने में, कितने वर्ष लगा इसे, 4 वर्ष। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं आपके इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2023 में चीन में होने वाले एशियन गेम्स खेल में छत्तीसगढ़ के एकमात्र खिलाड़ी कौन है जो इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेंगे। तो देखिए, चीन में होने वाला है एशियन गेम्स, इसमें छत्तीसगढ़ का एकमात्र खिलाड़ी है जो इसमें भाग लेगा, और कब, 2023 में। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट रहेगा ये, तो अमितेश मिश्रा जो है ये भाग लेंगे। और ये जो खिलाड़ी हैं ये एशियन गेम्स में छत्तीसगढ़ से एकमात्र खिलाड़ी हैं जो इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ ने कितने पदक जीते हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, MPTech जरूर कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ ने जो है आपके 11 पदक हासिल किए हैं, कितने पदक, 11 पदक। और इस 11 पदक के साथ इनका स्थान 22वां स्थान था, ध्यान रखिएगा स्थान को भी। और ये 2 स्वर्ण, कितने स्वर्ण, 2 स्वर्ण और 4 रजत रजत पदक, 2 स्वर्ण है, 4 रजत है और 5 कांस्य पदक है। इस तरह से टोटल 11 पदक इन्होंने जीता है और 22वें स्थान पर है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। 44वां राष्ट्रीय पैरा आर्मरेस्लिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के श्रीमंत झा स्वर्ण पदक हासिल किया है, वह किस खेल से संबंध रखते हैं। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, इसमें क्या याद रखना है, एक तो आर्मरेस्लिंग, पैरा आर्मरेस्लिंग प्रतियोगिता से संबंधित श्रीमंत झा है, तो नाम रखिएगा, नाम याद रखिएगा। और किस, क्या है, तो ये पैरा आर्मरेस्लिंग है। और ये किस खेल से संबंधित रखते हैं, तो देखिए ये पैरा कुश्ती से, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने 11
क्या राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने 11 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, कौन, श्रीमंत झा ने, और एशिया के ये नंबर वन खिलाड़ी हैं, एशिया के ये क्या हैं, नंबर वन खिलाड़ी हैं, और आपके विश्व में अगर देखा जाए तो विश्व में ये तीसरे नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया जिसमें इस राज्य का कौन सा जिला को चौथे स्थान प्राप्त हुआ या चौथे स्थान पर रहा है। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये राजनांदगांव जो है, राजनांदगांव ये चौथा रैंकिंग पर है, और डेल्टा रैंकिंग कौन जारी करता है ये भी क्वेश्चन आपसे आप पूछा जा सकता है। तो नीति आयोग जारी करता है डेल्टा रैंकिंग, और छत्तीसगढ़ का जो राजनांदगांव जिला है ये चौथे स्थान पर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के किस कार्यक्रम IMC डिजिटल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, किस कार्यक्रम को, इस राज्य का कौन सा कार्यक्रम है जिसे IMC डिजिटल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए भुइयां कार्यक्रम जो है इसे जो है IMC डिजिटल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस राज्य के किस जिले में फाइनेंशियल लिटरेसी जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत किया जाएगा। तो देखिए आंसर क्या होगा आपका, इस राज्य के किस जिले में, तो आंसर है आपका यहाँ कि बालोद में फाइनेंशियल लिटरेसी जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत किया जा रहा है। जिले में 90% ध्यान रखिएगा 90% SHG डिजिटल बैंकिंग से जुड़ चुकी है, और इन्हें साक्षर एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आत्मनिर्भर भारत समिट में इस राज्य के किस विभाग को इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए 12 क्वेश्चन लिया गया है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे को आपको देखना जरूरी है, और करंट अफेयर में ऐसा नहीं है कि यही इंपॉर्टेंट है, कहीं से पूछा जा सकता है, इसलिए जहां से भी करंट अफेयर आपको मिलता है जरूर पढ़ें, खास करके दैनिक जो समाचार पत्र है उसे पढ़ें, और जो आते रहता है आपका विकास परक वगैरह भी आप देख सकते हैं, और ये जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके अभी जो प्यून आने वाला एग्जाम जो घोषित हो चुका है उसके लिए, तो जरूर अच्छे से देखें आप लोग। आत्मनिर्भर भारत समिट में इस राज्य के किस विभाग को इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो देखिए सही आंसर है परिवहन विभाग को सम्मानित किया गया है, और परिवहन विभाग में चल रही ये ऑनलाइन सुविधा के लिए इसमें इन्हें प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट है आपका, एशियन पावर लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ की ममता ने कौन सा पदक हासिल किया है, एशियन पावर लिफ्टिंग, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो एशियन पावर लिफ्टिंग में रजत पदक हासिल किया है किसने, छत्तीसगढ़ की ममता ने। तो देखिए पावर लिफ्टिंग से संबंधित कौन है, तो ममता है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये कौन सा पदक हासिल किए, तो रजत पदक, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका, इस राज्य के पपीते की मांग किस देश में सर्वाधिक है, तो इस राज्य के पपीते की जो मांग है ये इंडोनेशिया में भी है और मलेशिया में है, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है। तो देखिए हालांकि छत्तीसगढ़ समसामयिकी है लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर का भी समसामयिकी शामिल किया गया है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो है उड़ीसा के चांदीपुर से जो है पृथ्वी मिसाइल 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये आपके क्वेश्चन थे 12 क्वेश्चन, और सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत, और आपका वीडियो आएगा अगला।